जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का एयरपोर्ट में क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। आसान भाषा में कहे तो एयरपोर्ट में CISF का काम क्या होता है। देखिए, CISF एक CAPF के अंडर में आने वाली फोर्स है जिनका कंट्रोल होम मिनिस्ट्री के पास में है। और जैसे कि इस देश में कई अलग अलग स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है, जैसे कि कोलफील्ड एरिया, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। भले ही वो किसी स्टेट में लोकेटेड हो, लेकिन उनका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जैसे बंगाल में कोलफील्ड एरियाज है, जैसे कि आसनसोल, रानीगंज, तो इन सब कोलफील्ड एरियाज का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्हीं इंडस्ट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए CISF को बनाया गया था। अब एयरपोर्ट तो एक प्राइवेट सेक्टर है, तो फिर वहां पर क्यों CISF को डिप्लॉय किया जाता है? तो देखिए, एयरपोर्ट भले ही प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आता है, और इसीलिए एयरपोर्ट एरियाज पर गवर्नमेंट की ओर से CISF को तैनात किया जाता है। CISF का ये ड्यूटी APS के अंडर में आता है। APS means एयरपोर्ट सेक्शन। और एयरपोर्ट में CISF का काम एक फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। इस फ्रेमवर्क का नाम होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, और इसके तहत देश में मौजूद लगभग 65 से 70 नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का सिक्योरिटी CISF के अंडर में ही आता है। और एयरपोर्ट में इनका काम बड़े ही सिलेक्टिव और सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। इनका काम है पूरे एयरपोर्ट को सिक्योर करना, पब्लिक को हर एक लेवल्स पर चेक करना, एयरपोर्ट एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, CCTV और नेगेटिव कैमरास को ऑपरेट करना, सिविलियंस की ID चेक करना, उसे वेरीफाई करना, कोई हथियार या फिर विस्फोटक लेके एयरपोर्ट में ना घुस पाए, इसके लिए CISF को दिया गया है डॉग स्क्वाड। इसीलिए अगर एयरपोर्ट के अंदर कोई विस्फोटक आता है, उसको डिटेक्ट करने में डॉग स्क्वाड का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। लेकिन एयरपोर्ट में इतनी सिक्योरिटीज की जरूरत क्यों है? देखिए, एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है कि इस देश के एक स्टेट को दूसरे स्टेट से मिलाता है, एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट करता है, तो इसीलिए यहां रिस्क बहुत ज्यादा है। क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार भारत के पुलिस बाहरी देशों पर कार्रवाई नहीं कर सकता। इनफैक्ट एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट पर जाकर के भी कार्रवाई नहीं कर सकता, उसके लिए उसे परमिशन लेना पड़ेगा। तो अगर एक क्रिमिनल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भाग जाए, तो उसे पकड़ने के लिए फॉर्मेलिटीज बहुत बढ़ जाती है। और अगर क्रिमिनल एक देश से दूसरे देश में भाग जाए, तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए नाकाबंदी और चेकिंग और सिक्योरिटीज एयरपोर्ट में बहुत टाइट रखी जाती है, क्योंकि एयरपोर्ट में आम इंसान से लेकर के सेलिब्रिटीज सभी ट्रेवल करते हैं, इसीलिए एयरपोर्ट को इतना ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। एयरपोर्ट में लगेज से लेकर के ह्यूमन बॉडी तक हर एक चीज की चेकिंग होती है। मशीन से चेक होता है, इंसानों से चेक होता है, CISF से चेक होता है। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा कि एयरपोर्ट में इतना सिक्योरिटी क्यों होता है और एयरपोर्ट में CISF का क्या काम होता है। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए AN डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।